हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमने एक नई कंपनी क्रिएट की हुई है, इसमें हम सारी चीजें सीखेंगे। टैली प्राइम में ये पुरानी कंपनी है, इसको क्लोज करना है, इसको बंद करना है। तो यहां से कंपनी पे चला जाता हूं मैं, और यहां पर रामा एंटरप्राइजेस जो कंपनी है इसे हमें करना है क्लोज। तो शट कंपनी पे जाऊंगा मैं और एंटरप्राइज करूंगा, रामा एंटरप्राइजेस को कर दूंगा क्लोज। यहाँ से एंटरप्राइज कीजिए और ये हो जाएगी क्लोज। अभी आदि एंड में नो वाउचर सेंटर्ड दिखा रहा है, अभी हमें वाउचर में एंट्री पास करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वाउचर्स में चलते हैं, ठीक है। और वाउचर्स में चल करके और यहां से कॉन्फिगर पे आते हैं। ये कॉन्फिगर वाली विंडो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कॉन्फिगर पे जाएंगे तो यहाँ पे शो मोर कॉन्फिगरेशन ये नजर आएगा, इसको वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू और क्लिक बाई, तो हमें डेबिट क्रेडिट ही तो चाहिए, तो ये हमने यस रखा है। यहाँ पर प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस और रेफरेंस नंबर एंड डेट ये सब दिया हुआ है, इसको भी मैं वाई प्रेस करके यस कर देता हूँ। ये ऑप्शन हम चालू कर लेते हैं, चालू कर लेना बेहतर रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर्स, तो इसको छोड़ देता हूँ। और यहां से आते हैं शो लिस्ट ऑफ बिल्स फॉर सेलेक्शन, इसको यस किया है, ठीक है। और शो फाइनल बैलेंस फॉर ईच बिल, इसको भी यस कर रखा है। और अगर आप कॉस्ट सेंटर को यस करना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर को यस कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल मैं इसको अभी नो रखता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर इन्वेंट्री डिटेल, इसको भी मैंने यस रखा है, ठीक है। और इस तरह से सारे जो एडजस्टमेंट है उसको आप देख लीजिए, इसमें उसी हिसाब से आप करके और इसको आप करा लीजिए एक्सेप्ट। यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लें और इस तरह से यहाँ पर आप आ जाएंगे। आप चलते हैं हम रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं सप्लायर इनवॉइस ऑब्लिक रेफरेंस नंबर आपको दिखाई पड़ने लगा है, ठीक है। तो यहां पर चाहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं डिस्काउंट ऑप्शन चालू करना, ठीक है। तो यहां से आपको डिस्काउंट ऑप्शन चालू करने के लिए F11 की प्रेस करना होगा, ठीक है। एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करते हुए आ जाइए यहां पर, ठीक है। यूज डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइसेस, ठीक है, इसको आप कर दीजिए यस। यहां से यस प्रेस कीजिए। अगर आप यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स, इन दोनों के लिए अलग अलग कॉलम चाहते हो तो इसको भी यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नो रखता हूं, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब हमको चलना है रिसिप्ट वाउचर में। वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में ऑलरेडी हम है। तो यहाँ पर 7900 ये हमारा रेफरेंस नंबर है और ये वो डेट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम में और ERP9 में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यही मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको एंटर प्रेस करना है, आप लेजर क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको ये पता है कि जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल, ठीक है, अकाउंट ये आपको कर देना है और एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करके इसको करा लेना है एक्सेप्ट, ठीक है। यहां पर आएगा अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर 70,000 रुपए हमने डाल दिया। यहाँ पर कैश करेंगे, कैश हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, एक्सेप्ट करा लिया, यानी कुल मिलाकर के हमारे कंपनी में 70,000 रुपए कैश आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे वापिस से वाउचर में। अब वाउचर एंट्री करेंगे और सबसे पहला काम हमें चलना है F9 प्रेस करके परचेज वाउचर में। तो यहां आ जाएंगे परचेज वाउचर में। तो यहां पर भी देख सकते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब हमको यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है, तो जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए, जिस डेट पे खरीदारी हो रही है वो डेट आएगी, ठीक है। अगर आप कैश में खरीदारी कर रहे हो तो कैश कर दो, लेकिन हम यहाँ सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर दोनों पार्टियों का लेजर क्रिएट करेंगे। डेटर क्यों, डेटर सेल्स वाउचर के लिए और क्रेडिटर लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेज वाउचर के लिए। तो यहां आर्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, यहां पर सन्ड्री डेटर पार्टी का लेजर क्रिएट करता हूं। यहां पर लिखता हूं मैं रितेश सी, सी का मतलब क्रेडिटर से है, मैं पहचान के लिए, अपने पहचान के लिए यहां सी लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो यहां पे एस प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर प्रेस कीजिए। मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखना, एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ जाइए। एड्रेस डाल सकते हैं आप,
यहाँ पे जो भी एड्रेस हो वो डाल दीजिए। एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान देनी है, अभी हमने जीएसटी को इनेबल नहीं किया है, तो जीएसटी कहां से इनेबल होगी ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीएसटी कैसे इनेबल होती है। F11 की प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, और अब यहां से आप चाहे तो जीएसटी इनेबल कर सकते हैं। यहां पे एंटर प्रेस करके नीचे आइए और यहां पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को यस कीजिए, और ये इस तरह से सारे जो डिटेल्स है इसको फिल कर लीजिए आप। ठीक है, और यहां पर वाई प्रेस कर दीजिए, ये इस तरह से आ जाएगा, और यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना आइटम्स, यहाँ पर HSN कोड आएगा। हालांकि HSN कोड तो अभी हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा, तो उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर टैक्सेबल रखेंगे, यहाँ पर कर देता हूँ 18% जीएसटी, बाई डिफॉल्ट 18% लगेगा, या फिर यहाँ कर देता हूँ 28%, हाईएस्ट जीएसटी 28% होता है, तो बाई डिफॉल्ट 28% जीएसटी यहाँ पे हमने सेट कर रखा है। एंटरप्रेस करके और अब इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, ये पेरोल का डिटेल है, तो पेरोल तो हमें करना नहीं है, तो पेरोल को हम नो ही रखेंगे अभी, और इसको आप एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया, अब चलते हैं हम परचेज वाउचर में। तो ये परचेज वाउचर में हम आ चुके हैं, यहाँ पे ये बिल नंबर हमने डाल दिया, जो भी बिल नंबर हो। क्रेडिटेड पार्टी का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं, एंटरप्रेस करके इसको कराते हैं। ठीक है, अब यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, तो यहां पर इंटरफेस कीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली डालिए परचेज अकाउंट। अगर आप टैली ERP9 की बात करते हैं तो आपको ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना पड़ता। ठीक है, यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता जहां से हमने एंटर करके लेजर बनाया है, और ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में। तो यहां पर परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, इंटरफेस कीजिए, इंटरफेस कीजिए, इंटरफेस कीजिए, इंटरफेस कीजिए, और इंटरफेस कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आएंगे तो स्टॉक आइटम की बारी आएगी, और यहां पर देख सकते हैं सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम भी आपको दिखाई पड़ने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। यहां पर पहला जो स्टॉक आइटम बना रहे हैं हम, जावा बुक। ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं जावा बुक, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं। यहां पर यूनिट बना सकते हैं, यूनिट बनाने के लिए आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, और यहां पर आइटम कर देता हूं मैं ITM। ठीक है, और यहां आइटम लिख देता हूं। ठीक है, और यहां पर पैक्स, पैकेट, जो भी आप करना चाहें, या पीसेस जो भी हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं पैक्स। ठीक है, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, डेसिमल पॉइंट इसी को रखेंगे, और यहां से वाई प्रेस कर देता हूं। जावा की बुक पर अलग जीएसटी लगाएंगे, यहां पे लिख देता हूं जावा बुक, एंटरप्रेस करता हूं। इसका HSN कोड जो भी हो डाल दीजिएगा आप। ठीक है, मैं इसमें फिलहाल डमी HSN कोड डाल रहा हूं, यहां पर टैक्सेबल रखते हैं हम। ठीक है, एंटरप्रेस करते हैं। अब मान लीजिए कि इस पे हमें 18% का जीएसटी लगाना है, तो ये 18% लगा दिया हमने। ठीक है, और यहां पर क्वांटिटी आएगी, तो मान लीजिए कि 70 किताबें हम परचेस कर रहे हैं, और एक किताब हमें पड़ रही है 1700 रुपए की। ठीक है, और इस पे कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है हमें, तो देखिए अभी कुल मिलाकर के 119,000 की किताबें हम परचेस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 119,000 रुपए, लेकिन हम इस पे कुछ डिस्काउंट चाहते हैं, तो यहाँ पर 0.1% का डिस्काउंट मिला है, तो 119,000 की जगह अब आ गया 118,881 रुपए, 0.1% के डिस्काउंट के हिसाब से। अब एंटरप्रेस किया, दूसरा स्टॉक आइटम बनाता हूं, यहां पर लिखता हूं पाइथन बुक्स। ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, यहां पर भी अलग जीएसटी लगाता हूं। ठीक है, अब जैसे बुक्स है तो बुक्स पे बहुत कम ही जीएसटी रेट लगता है, लेकिन मैंने वहां 18% लगाया है। अलग अलग तरीके से आपको लगा के दिखा देता हूं, ये कोई जरूरी नहीं कि बुक्स पे आप यही जीएसटी लगाएंगे। यहां पर लिखता हूं मैं पाइथन बुक्स। ठीक है, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं। यहां पर टैक्सेबल रखेंगे, अगर टैक्सेबल नहीं रखेंगे तो कैलकुलेट होकर नहीं आएगा जीएसटी। ठीक है, अब यहां 12% का जीएसटी लगाता हूं। ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और एंटरप्रेस कर दिया। अब यहां पर मान लीजिए कि 50 किताबें पाइथन की भी परचेस कर रहे हैं, और एक की कीमत पड़ रही है 1200 रुपए, और इस पे भी हम लगा रहे हैं 0.01% का डिस्काउंट, उस पे 0.10% का था। यहां देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब फिर नीचे आते हैं, यहां पर अल्ट के साथ सी करके, और एक और लेजर बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बुक है,
एंटरप्रेस किया और यहाँ पे आइटम कर देते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा। यहाँ पे एमएस एक्सेस कर देता हूँ मैं, इसका जो एचएसएन कोड वो आप डाल सकते हैं। एंटरप्रेस करेंगे, मैं फिलहाल एचएसएन कोड नहीं डाला, एंटरप्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 12%, ठीक है, तो ये 6% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। एंटरप्रेस किया, अब यहाँ पर कर देता हूँ मैं 70 किताबें और एक किताब की कीमत मैं रख लेता हूँ 890 रुपये, तो इसके हिसाब से यहाँ आ गया। अब यहाँ पर भी 0.1% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर टैली ईआरपी 9 की बात करेंगे, तो यहाँ मैं कर देता हूँ टैली ईआरपी 9, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके ये बनेगा, ठीक है। तो अभी तो ईआरपी 9 नहीं बल्कि प्राइम आ गया, तो यहाँ टैली प्राइम 1.0 कर देता हूँ, ठीक है। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और एंटरप्रेस करके और यहाँ पर कर देंगे आइटम, ठीक है। और यहाँ पर अलग से जीएसटी रेट सेट करेंगे हम, यहाँ पे लिखता हूं मैं टैली प्राइम बुक, ठीक है। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर टैक्सेबल रख करके, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, तो यहाँ पे 21% का लगा देता हूँ इस बार, इस तरीके से ये आ जाएगा। एंटरप्रेस करेंगे, अब यहाँ पर कितनी बुक्स परचेज की जा रही है, 60 बुक्स परचेज की जा रही है और एक की कीमत 1100 रुपए है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर 0.20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर टोटल आ गया। अब यहाँ पर हमें जीएसटी के लेजर्स लगाने हैं, जीएसटी के लेजर कैसे लगाएं, तो जीएसटी के लिए हमें जीएसटी का लेजर बनाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ आईजीएसटी, ठीक है। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लेते हैं हम, ठीक है। एंटरप्रेस किया और ये होगा जीएसटी, ये कुछ और नहीं है बल्कि जीएसटी ही है, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स की बात हो रही है, ये लगा दिया हमने। राउंडिंग मेथड को नॉर्मल राउंडिंग रख देते हैं हम, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और एंटरप्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगा है, ठीक है। अब हम अगला लेजर बना लेते हैं, यहाँ पर आकर के अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, सीजीएसटी बना लेते हैं, ठीक है। सीजीएसटी बनाया हमने, एंटरप्रेस किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, यहाँ जीएसटी ही रहेगा और यहाँ सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, और एंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर आएगा नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएसटी अप्लाई हो गया है, ठीक है। सेम स्टेट की बात होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा, अदर स्टेट के मामले में आईजीएसटी आप लगाएंगे, ये मैं टैली ईआरपी 9 की वीडियोस में बता चुका हूं आपको। एंटरप्रेस करेंगे, अब यहां पर एसजीएसटी के लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं, तो एसजीएसटी कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और जीएसटी यहां पे कर देंगे और यहां पर आएगा स्टेट टैक्स, ठीक है। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और एंटरप्रेस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एसजीएसटी, ठीक है। ये दोनों हो गया, अब यहाँ पर इसको अभी ईवे बिल को नो करता हूं मैं एंटरप्रेस करके, और अब इसको कराता हूं मैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गई परचेज की एंट्री, ठीक है। अब मैं इसी चीज को सेल्स में करके दिखाता हूं, अभी हमने परचेज किया है, ठीक है, इसका पेमेंट भी करना है, तो सारी चीजें एक ही वीडियो में होने वाली है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो अब यहां से हम चलते हैं, इसको सेल्स वाउचर में डायरेक्टली लेके चलते हैं, तो ये सेल्स वाउचर आ गया, ये सेल्स वाउचर में आ गए हम। हमने अभी क्रेडिटर पार्टी का ही लेजर बनाया है, डेटर पार्टी का लेजर नहीं क्रिएट किया, तो आर्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहां पे मैं करता हूं दुर्गेश डी, ठीक है, यानी डेटर। अब ये जाएगा संडी डेटर में, तो एस प्रेस करता हूं तो संडी डेटर देखिए इसमें दिया होगा, ये संडी डेटर आ गया, मेंटेन बिल बाय बिल, ये यस रहेगा। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, ये चीज मैं आपको कह रहा था, ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ पर आप डायरेक्टली आप एंटरप्रेस करते जाइए, आपका काम होता जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, सेल्स अकाउंट, ये आपको सुविधा टैली ईआरपी 9 में इस तरह से नहीं दिया हुआ था, वहां थोड़ी व्यवस्था अलग थी, यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, बाकी सारी चीजें तो लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी चीजें इसमें अलग है। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट, इसमें कोई भी डिस्काउंट हमें देना नहीं है, एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये सेल्स अकाउंट का लेजर आ गया, अब यहाँ पर वो आइटम जो आपने परचेज किए थे, जैसे पाइथन की बुक थी, जावा की बुक थी, तो जितने भी आइटम मौजूद हैं उसको आप ये करवा लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि पाइथन की बुक कितनी अवेलेबल है, यहाँ पर आएंगे तो ये देख पाएंगे 50 बुक अवेलेबल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 50 बुक अवेलेबल है और मान लीजिए कि हमने 51 बुक्स सेल करने की कोशिश की, तो यहाँ एक आइटम माइनस में जाएगा, ठीक है,
अगर आपने एंट्री पास कर दी इसकी तो ये तो एंट्री गलत हो जाएगी। चलिए इसका भी सोल्यूशन बताता हूँ। 85 या 51 हम बेच रहे हैं, ठीक है, और एक की कीमत हम रख रहे हैं 1700 रुपए, ठीक है, 1700 में हम एक बेच रहे हैं, और यहाँ पे डिस्काउंट लगा दिया 0.01% का, ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गए, ठीक है, और ये यहाँ पे CGST, और अब यहाँ पे SGST का लेजर लगा लेते हैं, सेम स्टेट की बात है तो CGST SGST ही लगाएंगे। तो ये CGST SGST लगा दिया एंटर प्रेस करके, और इसको ईवे बिल को नो रख करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, अब IGST की बात करते हैं, जैसे डिफरेंट स्टेट की बात होगी तो IGST आ जाएगा। अब यहाँ पर एक अलग से डेटर पार्टी में बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर पार्टी का नेम जो आ रहा है एक अलग से, जैसे दुर्गेश डी बनाया था, इस बार उमेश डी करता हूँ, यानी डेटर, डी से मतलब है डेटर से, ठीक है, तो यहाँ डी कर देता हूँ, पता चलता रहेगा आपको कि डेटर पार्टी है। तो यहाँ से एस प्रेस किया, सन्ड्री डेटर चूज कर लिया हमने, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और ये उत्तर प्रदेश आ रहा है यहाँ पे स्टेट, लेकिन इस बार हम मध्य प्रदेश लेने वाले हैं, तो ये मध्य प्रदेश कर दिया हमने, ठीक है, कंट्री इंडिया ही रहेगी, एंटर प्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, करा लिया, एंटर प्रेस किया, ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं, डिस्पैच थ्रू, किस चीज के थ्रू डिस्पैच हो रहा है, मोटर व्हीकल नंबर, अगर किसी चार पहिया गाड़ी के थ्रू ये सारी सारे सामान डिलीवर हो रहे हैं, ट्रक के थ्रू आ रहा है तो उसका नंबर वगैरह, ये सारी चीजें फिल कर सकते हैं, कैरियर एजेंट नेम, ड्राइवर और सारी चीजें ये डाल सकते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर आए, सेल्स अकाउंट का लेजर आ गया। अब यहाँ पर जो चीजें हैं उसी को हम करके दिखा रहे हैं, और जब हम इसको कर लेंगे तब हम उस वाले एंट्री में चलेंगे जो कि हमने एक आइटम एक्स्ट्रा बेच रखा है, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं था, एक्चुअली बेचा 85 होगा लेकिन एक आइटम एक्स्ट्रा हमने एंट्री कर दी, तो उसको सही कैसे करें वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर पाइथन की बुक लेते हैं, अभी एक आइटम माइनस में चल रहा है, टैली की बुक ले लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर 5 टैली की बुक हम सेल कर रहे हैं और एक बुक हम सेल कर रहे हैं 1700 रुपए की, ठीक है, ये हमने किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर डिस्काउंट लगा दिया 0.01% का डिस्काउंट भी हमने लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया IGST, तो यहाँ पर डायरेक्टली IGST लगा रहा हूँ, ये देखिए डायरेक्टली IGST कैलकुलेट होकर आ गया है, ठीक है, जब डिफरेंट स्टेट की बात होगी तभी ये कैलकुलेट होगा, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए अपने उस एंट्री पर चलते हैं जो हमने एंट्री बना रखी है, तो दो बार यहाँ से डी प्रेस करते हैं गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद, और दुर्गेश डी यही था हमारा लेजर जो हमने लगाया था, और यही वो एंट्री है जो हमने पास की थी, यहाँ पर 50 आइटम थे, 51 आइटम हमने सेल कर दिया। अब इसको एडजस्ट करना है, तो ये देख लीजिए 1 अप्रैल में आपने ये एंट्री पास की है, तो आपको 1 अप्रैल में ही रहना है पहली बात, ठीक है, जब एंट्री आप स्टॉक आइटम आप इसमें बढ़ाइएगा तो आपको रहना है 1 अप्रैल के ही डेट में, ठीक है, 1 अप्रैल के डेट में रहना है, ठीक है, एक स्टॉक आइटम आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप यहां से जाइए वाउचर्स में, और 9000 नंबर का हमारा बिल जो था उसी में हमें सुधार ये करना है, और यहाँ पर हमें रितेश सी रखना है, परचेज में ही हमें अभी सुधार करना है, तो यहाँ पर आकर के और एंटर प्रेस करके यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर ले लेंगे, और पाइथन की बुक जो है एक आइटम माइनस में चल रहा है, हम यहाँ 8 आइटम मान लीजिए रिसीव करा दिया हमने, ठीक है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो भी GST जो भी लगना है वो लगा दीजिए, ये लगा दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आएंगे और अब हम स्टॉक समरी देखेंगे, यहाँ पे स्टॉक समरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन की बुक 7 आइटम हमारे पास मौजूद है, ये देख सकते हैं, ठीक है, पहले कितनी थी, हमने एंट्री कितना कराया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा डी प्रेस करेंगे, ये देख सकते हैं ये पाइथन की बुक है, 8 आइटम हमने खरीदा था, हमारे पास 7 आइटम मौजूद हैं, यानी कि हमने उसको एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की, पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है वो बता देता हूँ, पेमेंट करने के लिए आपको जाना है वाउचर्स में, तो वाउचर्स में पहले परचेज जो किया था उसका पेमेंट करता हूँ, ठीक है, तो परचेज किया था उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर में, जब परचेज करेंगे तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सा रेफरेंस नंबर रहा जिसके थ्रू आपने परचेज किया है, ठीक है, यहाँ पे आइए, दो बार डी प्रेस कीजिए, एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ, पहला हमने जो परचेज किया था उसका जो बिल नंबर था वो 9000 था, सप्लायर का इनवॉइस नंबर था 9000 था। अब हम चलते हैं वापस वी प्रेस करके, यहां से वी प्रेस किया हमने,
वाउचर्स में आ गए, हमें जाना है पेमेंट वाउचर में, F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। तो 9000 नंबर का बिल था, इसी का हमें पेमेंट करना है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, हमें डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है, तो यहां पे आप देख सकते हैं रितेश सी, इन्हीं को डेबिट करना है आपको। कितना था जो भी बाकी है, ड्यू है, यहां पर नीचे करंट बैलेंस में शो करेगा 367631 रुपए, तो 367631 रुपए। अब देखिए इसमें 36 पैसे रह जाएंगे, तो यहाँ पे इतना मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अपने आप मेंटेन बिल बाय बिल, इसको चालू रखने का जो पर्पस था वो आप आपके समझ में आएगा। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, तो ये अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि इस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब केवल आपके 36 पैसे बाकी रह जाएंगे, बाकी के सारे पैसे आपने भुगतान कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए कैश में मान लीजिए भुगतान कर रहे हैं आप, तो ये कैश कर दिया हमने, ठीक है। आपके पास कैश है नहीं, आपको याद होगा कि हमने सिर्फ 70,000 रुपए ही रिसीव कराए थे। अभी मान लीजिए इस तरह की भी एंट्री आप अगर पास कर देते हैं, तो यहाँ नेगेटिव कैश की वार्निंग आएगी, और जब ये एंट्री आप पास कर देंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, तो उसके लिए भी बता देता हूँ तरीका। यहाँ से वी प्रेस कीजिए और सेम उसी डेट में जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं उसी डेट में चले जाइए, ठीक है, या उससे पहले के डेट में चले जाइए। अच्छा ये होगा कि यहाँ से दो बार डी प्रेस करके और जो आपने पैसा रिसीव कराया था उसी वाउचर नंबर के नंबर से ही आप यहाँ पैसा रिसीव करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, वी प्रेस कीजिए और अब यहाँ पर 79 ये रखा हमने, एंटर प्रेस किया और इस बार हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही रखेंगे और यहाँ पर हम 9,00,000 रुपए यहाँ पे रिसीव करा रहे हैं, ठीक है। एंटर प्रेस किया कैश रिसीव करा रहे हैं कंपनी में, ये कैश हो गया, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया है। अब जबकि हम एंट्री पास करेंगे तो हमें पेमेंट करेंगे, तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। जो पेमेंट किया वो कहाँ है, वो यहाँ है, देखिए ये वो एंट्री है, ये पहले रेड में शो कर रही थी, अब ये रेड में शो नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जब हम एंट्री पास कर रहे थे पेमेंट की, तो ये रेड में शो कर रही थी, ठीक है। अब लेकिन ये रेड में शो नहीं करेगी, क्योंकि हमने बैक डेट में जाकर के और वहां कैश रिसीव करा दिया, तो कैश रिसीव कराना जरूरी है, अगर आप रिसीव नहीं कराएंगे तो रेड में शो करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सेल जो किया उसके पेमेंट की। तो सेल कहाँ किया, ये देखिए यहाँ पर दो बार एंट्री की गई है सेल्स की, तो यहाँ पे देखिए 97,094 रुपए 29 पैसे की सेलिंग हुई है। इसका बिल हमें पेमेंट नहीं करना, यहाँ पे रिसीव करना है पैसा। तो रिसीव करने के लिए क्या करेंगे आप, रिसीव करने के लिए आप आएंगे रिसीव वाउचर में, ठीक है। तो रिसीव वाउचर में जाने के लिए एक बार वी प्रेस कीजिए और आ जाइए रिसीव वाउचर में। रिसीव वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस करना है आपको, आ जाएंगे रिसीव वाउचर में और यहाँ से 1 प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 1 लिखता हूं मैं और एंटर प्रेस करता हूं और ये दुर्गेश डी इन्हीं का तो बिल है, तो 97,000, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 97,000 और यहाँ पे 94 रुपए, ठीक है, 24 नहीं बल्कि 94 रुपए। एंटर प्रेस किया, ये अगेंस्ट रेफरेंस आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं एंटर प्रेस किया हमने, तो ये बिल अब रिसीव होने जा रहा है, यहां से कैश में हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिसीव कर लिया हमने, एंटर प्रेस किया, निरीक्षण चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं इसको ब्लैंक, एंटर प्रेस किया। अब अगर दोबारा से आप दुर्गेश डी का पेमेंट रिसीव करने की कोशिश करेंगे तो कितना बैलेंस दिखाएगा, पॉइंट में दिखाएगा, कैसे, ये देखिए यहां पर आए, यहां पे 0.29 पैसे ही बचे हुए हैं इनके, ठीक है, ये भी रिसीव कर लीजिएगा तो बाकी का बचा हुआ अमाउंट जो है जीरो हो जाएगा। ये देखिए अगेंस्ट रेफरेंस किया हमने, एंटर प्रेस किया। अब अगर आप इसका पेमेंट रिसीव करने की कोशिश करेंगे तो इस बिल के अगेंस्ट कुछ पेमेंट बचा ही नहीं है, तो कहां से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे दुर्गेश डी किया हमने, तो यहां पे जीरो बैलेंस शो करने लगा। तो इस तरह से आप पेमेंट रिसीव करा सकते हैं, ठीक है, सारा काम कर सकते हैं। अब एक बात और बात कर लेते हैं कंट्रा वाउचर की, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें इंक्लूड करने की बात करी गई थी हमारे एक व्यूअर के द्वारा, तो यहां पे कंट्रा वाउचर की बात भी कर लेते हैं। तो कंट्रा वाउचर में क्या होता है, अपने बैंक खाते में पेमेंट प्राप्त किया जाता है या अपने बैंक खाते में पैसा रिसीव किया जाता है। तो ये कंट्रा वाउचर, यहाँ पहले वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करता हूँ, कंट्रा वाउचर में जाने के लिए F4 प्रेस करता हूँ, अलग से भी वीडियोस मैंने डाल रखी है कंट्रा वाउचर की, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, तो मैंने कहा था कि बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको कि आप आ जाइए सिंगल एंट्री मोड में। सिंगल एंट्री मोड में आने के लिए आपको यहाँ पे चेंज मोड यहाँ पे आना है और ये सिंगल एंट्री मोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट आएगा,
अकाउंट में आपको क्या करना है, जिसमें जिस भी खाते में पैसा इन हो रहा हो, जा रहा हो, ठीक है, जिस भी खाते में पैसा रिसीव हो रहा हो, उस खाते का विवरण इसमें डालना है, डिस्क्रिप्शन इसमें डालना है। तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, बना लेते हैं। ठीक है, यहां से करता हूं मैं एक्सिस बैंक, यहां पे लिखा मैंने एक्सिस बैंक, ये लिख दिया, एंटर प्रेस किया, एक्सिस बैंक में हमारे पैसा रिसीव हो रहा है, तो यहां एक्सिस बैंक कर दिया, ये बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट कर दिया हमने, और जो भी आपका बैंक अकाउंट हो वो यहां पे दे दीजिए। यहां पे मैं एक डमी अकाउंट नंबर डाल देता हूं, ठीक है, एंटर प्रेस किया, और आईएफएससी कोड इसका जो भी हो डालते जाइएगा, और अगर चेकबुक चाहते हैं तो ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, यहां पर पर्टिकुलर्स आ रहा है। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, तो एक्सिस बैंक में कितना कैश जमा कर रहे हैं वो पर्टिकुलर में आ जाएगा। तो ये कैश करिए, ठीक है, मान लीजिए कि 5,000 रुपए आप कैश जमा कर रहे हैं एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई पूरी। ठीक है, कितना नोटों की डिटेल डाल दीजिए, 2,000 की नोट है और 2,500 की नोट है, बस हो गया ये 5,000 रुपए, ये हो गया आपका पूरा। कंट्रा वाउचर में आपने एंट्री पास कर ली। ठीक है, अब मान लीजिए बैंक टू बैंक एंट्री पास करनी हो, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताया है, इसमें भी बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी अन्य बैंक में अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हो, या फिर एक्सिस में ही रिसीव कर रहे हो किसी दूसरे बैंक के द्वारा, तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके, जैसे मान लीजिए लेजर बना लीजिए पंजाब, बी होगा नेशनल बैंक, ठीक है, ये पंजाब नेशनल बैंक कर दिया, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहां पर जो भी अकाउंट नंबर हो पंजाब नेशनल बैंक का वो डाल दीजिए, यहां पे डाल देता हूं मैं। ये एक डमी अकाउंट नंबर हमने डाल दिया है, एंटर प्रेस किया। चेक की कॉन्फ़िगरेशन अगर देना चाहते हो तो ये सब भी एक्टिवेट कर सकते हैं, टैली ईआरपी 9 के वीडियोस में मैंने बताया है इन सब बातों को। एंटर प्रेस करिए, और कितना रुपए आप पंजाब नेशनल बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सिस बैंक में, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आएगी। जैसे मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक से 9,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, अब एक बात ख्याल रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव कैश आएगा, रेड में आ जाएगा कैश आपका, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में तो पैसा ही नहीं है, तो ये रेड में हो जाएगा। ये देखिए रेड में आ गया, रेड में आने का यही कारण है कि कैश है नहीं और आप एंट्री पास कर रहे हो। ठीक है, चलिए इसको रिसीव कराते हैं, इसका भी हल बताता हूं। तो ये पंजाब नेशनल बैंक में कैश हमारा रेड हो गया है। ठीक है, और अब क्या करते हैं हम यहां पर अब पंजाब नेशनल बैंक ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये ले लिया हमने, 9,000 रेड में दिखा रहा है, और यहां पे करेंगे हम एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक आ गया, एक्सिस बैंक में जितना पैसा, अच्छा 9,000 रेड में है तो यहाँ पे 9,000 रुपए इसमें हम वापिस से डाल देते हैं, तो ये हो गया। आप चाहे तो कैश भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब पंजाब में, ठीक है, कैश डालना होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए पंजाब में आप कैश डालना है, तो यहाँ पे कैश में जाइए, सी प्रेस कीजिए, और मान लीजिए कि 7,000 रुपए कैश डालना है, तो ये 7,000 कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। नोटों की डिटेल डाल दीजिए, 3 नोट 2,000 की है और 500 की 2 नोट है, तो ये हो गया 7,000 रुपए, एंटर प्रेस किया, ये हो गया। इस तरह से एंट्री पास करेंगे, देखना होगा तो क्या करेंगे, 2 बार डी प्रेस करेंगे, सब डिस्प्ले में दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये कैश वाली एंट्री है। अगर प्रिंट निकालना हो तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ पी जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये इस तरह की विंडो ओपन होगी, करंट हमें प्रिंट करना है, इस पर क्लिक करिए और प्रीव्यू कर देता हूँ, प्रीव्यू में दिखा देगा, ये देखिए ये प्रिंट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। कुछ और प्रिंट निकालना, बाहर आ गया मैं। अब मान लीजिए कि ये जो पार्टी है रितेश, इसका हमें प्रिंट निकालना था, तो ये प्रिंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पेमेंट का प्रिंट है, तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएंगे और एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और प्रीव्यू देखना है, आई प्रेस कर दीजिए आप, तो ये देखिए ये इसका प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये प्रीव्यू है। ठीक है, अब इसको क्लोज करता हूँ। कुछ और भी प्रिंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे डेटर पार्टी का कुछ प्रिंट निकालना हो। ठीक है, ये देखिए सेल्स, इसका प्रिंट निकालना है, तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और फिर कंट्रोल के साथ पी प्रेस कीजिए और ये यहाँ पे आई प्रेस कर दीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए। ये देखिए ये प्रीव्यू आ रहा है। अब इसमें सारी कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी, HSN कोड से लेकर के सारी चीजें, डिस्काउंट का कॉलम अलग से आ रहा है, ये भी दिख रहा है आपको, सारी चीजें अलग से आ रही हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पे एक ही बिल में सारी चीजें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। अगर कुछ और भी चाहते हो टैली प्राइम में, आपको ना समझ में आती हो बातें, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूँ, टैक्स एनालिसिस की रिपोर्ट आप कैसे देखेंगे, हालांकि ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है,
तो टैक्स एनालिसिस की रिपोर्ट हम कहां से देखेंगे वो भी बता देता हूं। इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूं टैली प्राइम को। टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप डेबुक में चले जाइए और जैसे मान लीजिए ये सेल्स है, इसमें हम आते हैं और यहाँ पर टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ मोर डिटेल पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स एनालिसिस आ रहा है, तो ये टैक्स एनालिसिस पे चले जाइए आप और यहाँ से आप टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर टैक्स एनालिसिस आ रहा है, ठीक है। और अल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिएगा तो आपको ये भी दिखाई पड़ जाएगा कि कितना परसेंट टैक्स लगा इस पे। 21% टैक्स लगा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का मामला है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का मामला है, ये 21% टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, टैली प्राइम की ये बुक है। अब दूसरे वाले सेल्स में चलते हैं, मतलब दूसरी एंट्री में चलते हैं, जो दूसरी एंट्री हमने पास की है 97,000 वाली। तो यहाँ पे पाइथन की बुक है, ठीक है। अब इसका टैक्स एनालिसिस देखना है तो यहाँ मोर डिटेल्स में चलिए और यहाँ से आ जाइए जीएसटी टैक्स एनालिसिस में। यहाँ पर आएंगे तो आपको अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है और देखिए यहाँ पे कुल मिला के 12% ही टैक्स लगा हुआ है। तो ये इस तरह से करके आप टैक्स एनालिसिस को भी पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में लगभग सारी चीजें मैंने बताई दी हैं, और भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।